रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप चेतक से बहुत प्यार क्या करते थे। हल्दीघाटी के युद्ध में राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को कहा था एक दिन युद्ध भूमि में मिलेंगे। तो जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जब अपने शौर्य का उन्होंने प्रदर्शन किया महाराणा प्रताप ने, जब उनकी तलवार ने हजारों लाशें बिछा दी, तो राजा मानसिंह हजारों सैनिकों के युद्ध मतलब बीच में जो है अंगरक्षकों के बीच में छिपकर हाथी के ऊपर चढ़कर बैठ गए। हाथी को चला रहे थे महावत खां। हाथी पर बैठने का जो आसन होता है होदा कहा जाता, लोहे का बना हुआ था। महाराणा प्रताप ने चेतक को लेकर, वो चेतक को लेकर चले और हजारों सैनिकों के बीच में से लाशें बिछाते हुए वो महाराणा राजा मानसिंह के पास पहुंचे और राजा मानसिंह के हाथी के माथे पर चेतक ने अपने अगले पैर रख दिए। और पैर रखने के बाद जो महाराणा प्रताप ने मारा भाला फेंक कर, तो महावत खां की छाती चीरता हुआ जो होता था लोहे का